क्या पीओके के रावलकोट में भारत के साथ विलय की मांग उठ रही है? क्या सच में पीओके के लोग भारत समर्थित पोस्टर लेकर सड़कों पर उतर आए हैं? क्या अब पीओके पाकिस्तान के हाथों से जाने वाला है? आइए आपको बताते हैं। दरअसल इन दिनों पाकिस्तान वाले कश्मीर के हालात कुछ ठीक नहीं है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तानी प्रशासन के अत्याचार और क्रूरता के खिलाफ लोगों ने विद्रोह कर दिया है। पिछले दो दिनों से पीओके हिंसा की आग में जल रहा है। हालात ऐसे हैं कि शुक्रवार से यहां लोग गेहूं और बिजली की ऊंची कीमतों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। वहीं यह हिंसा रविवार को इतनी ज्यादा बढ़ गई कि सब इंस्पेक्टर अदनान कुरैशी की गोली लगने से मौत हो गई। आपको बता दें कि पीओके में आम जनता सड़कों पर उतरकर पाकिस्तानी जवानों पर हमले कर रही है। मुजफ्फराबाद और रावलकोट समेत कई जगहों पर सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प देखने को मिली। पीओके का हालिया विरोध प्रदर्शन इस बात का संकेत दे रहा है कि पाकिस्तान की पकड़ बरसों से कब्जा किए गए कश्मीर के इस हिस्से पर कमजोर पड़ रहा और जल्द ही यह उसके हाथ से निकल सकता है। खबरों की माने तो रावलकोट में प्रदर्शनकारियों ने पीओके को भारत के साथ मिलाने की मांग की। एक अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तान पीओके पर अपनी पकड़ खो रहा है और भारत का हिस्सा बनने के करीब पहुंच गया है। बता दें कि पीओके में पुलिस के कहर के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। वहीं अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पीओके के हालात पर चिंता जताते हुए सभी पक्षों से मांगों के समाधान के लिए शांतिपूर्ण रास्ता निकालने की मांग की। इसके अलावा सोशल मीडिया पर पीओके के कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं। इनमें सबसे अधिक वो वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें पीओके के लोग पुलिस को पीटते नजर आ रहे। उन्होंने सरकार को कोसते हुए कहा कि जब आप जनता को पुलिस से पिटवाएंगे तो क्या होगा, जब पुलिस वाले जनता के हाथ लगेंगे तो वे छोड़ेंगे क्या। न्यूज़ रिपोर्ट india.com।